चलो 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 अंडे लेके चलते हैं हम। ब्राउनी फिनिश करा तुमने खाना? नहीं करा? जल्दी जल्दी खाओ यार। ब्राउनी को मैं खोल गया था ताकि मैंने बोला यार जब तक मैं नीचे से आऊंगा ना थोड़ा बहुत खाना अपना खा चुका होगा, पर भाई बहुत चिंग चिंग के खाता है यार ये। चलो यार अंडे मैं यहाँ रखूँ दोस्तों, पहले तो सुकून से। हाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों सबसे पहले तो फाइनली पूरे के पूरे 7 दिन बाद मैं वापसी आया हूँ चैनल पे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था ना यार कि स्ट्राइक लग चुकी थी मेरे चैनल पे। तो 7 दिन का टाइम मिला था कि 7 दिन बाद आपकी स्ट्राइक हटेगी, क्योंकि 2 स्ट्राइकें लग गई इस तरीके से। पहले एक मुर्गे वाली वीडियो मेरी हटा दी बिला वजह की, और उसके बाद दूसरी वीडियो जो है उस पर भी मेरे फजूल का स्ट्राइक आ गया किसी चीज़ पर कि गाइडलाइन दे रहे हैं आपको। तो इस वजह से दूसरी वीडियो की वजह से, 2 स्ट्राइक लगने की वजह से मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड एक तरीके से कर दिया गया था कि आप वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, ना तो कम्युनिटी में भी मैं कुछ अपलोड नहीं कर सकता था। तो इस वजह से दोस्तों मैं 7 दिन तक अवेलेबल नहीं हो सका। कैसे अब आपका भाई वापसी आ गया भाई, तो अब यार मैं देखूंगा, मेरे समझ नहीं आ रहा है स्ट्राइक्स क्यों लग रही हैं मुझे। तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है कौन कर रहा है क्या कर रहा है, खैर से बाकी अल्लाह बेहतर करेगा यार। तो यार ये अंडे मैं किस लिए लाया हूँ दोस्तों, तो इनका साइज़ देख के तुम लोग लाजमी पहचान गए होगे कि किसके अंडे हैं। तो भाई ये अंडे जो हैं वो हमारे ब्लैक बफ के हैं, जिसका एक बच्चा हमारे पास आ चुका है, और ये अंडे जो हैं ये भी फर्टाइल हैं। और ये मैं इसलिए लाया हूँ दोस्तों कि यार क्या हो गया भाई, क्या हो गया सुल्तान, आज तुम क्या हो गया इतना क्यों चीख रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ, बीच में आने दे रहे हो? वैसे कभी नहीं देता पर आज दे रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो यार सीन ये था दोस्तों कि हमारे ये जो कबूतर है ना, इन्होंने अपने अंडे छोड़ दिए हैं। ये देखें अभी भी ये खड़े हैं यहाँ पे, दाना पानी सब कुछ डाला हुआ है ना, पर ये अंडों पे नहीं बैठ रहे। और इनके अंडों को दोस्तों 21 दिन से ऊपर का टाइम पीरियड हो चुका है। तो यार आज हमने क्या करना है, इनके अंडे चेक करने हैं और उनको देखना है कि उनमें क्या बना था क्या नहीं। बाकी है तो हमारे लिए वो बैड न्यूज़ ही, क्योंकि अगर बच्चा होता है तो अभी तक निकल जाने चाहिए थे, या तो बच्चे मर गए या क्या हुआ, वो अभी हम देखते हैं कि क्या सीन है। सबसे पहले इनके अंडे देखते हैं और फिर वो अंडे में क्यों लाया हूँ वो तुम लोगों को बताता हूँ। चलो भाई हटो यार, दोनों अंडे दे दो अपने, आ जाओ। तो यार अंडे मैंने निकाल लिए दोस्तों, अब जो है हम वहाँ पर चल के चेक करते हैं प्लेट में कि क्या बना इन अंडों के अंदर, क्या बच्चे थे या नहीं। तो यार ये प्लेट ले आए हम, और यार मेरे से ना एक अंडा दोस्तों ये देखो यार थोड़ा सा चटक गया, और मुझे लग रहा है पूरा ख़राब है, लग क्या रहा है ये है ख़राब यार, क्योंकि ये देखो यार इसका पूरे का पूरा ना पानी लगा हुआ। तो इसको हम तोड़ते हैं इससे, मुझे सिर्फ ये देखना है यार कि क्या इसमें बच्चे बने थे या नहीं। यार ये बिल्कुल खाली है, अब ये देखते हैं यार। यार मुझे इसमें लग रहा है बच्चा शायद, जर्दी है यार, बच्चा था इसमें यार, पूरे का पूरा भरा हुआ था ये तो। आई हाय। तो यार जितना मुझे अंदाजा था ना इसके अंदर बच्चे होने चाहिए थे, पर इसकी हालत कुछ यूँ है, दोनों अंडे सड़े हुए हैं और एक में जो है वो देखें दोस्तों पता नहीं क्या बना हुआ है, वो हल्का फुल्का बहुत मामूली सा बच्चा। यार जबकि हमने जब इन अंडों को दोस्तों देखा था कैंडलिंग करके, तो उसके अंदर बकायदा हमें ऐसा फील हुआ था कि बच्चा बन रहा है, और जबकि इस वाले अंडे में देखें हल्का फुल्का शायद बच्चा बन रहा हो, पर अब क्या सीन है ये समझ नहीं आया भाई। ये अंडे जो हैं ख़राब हैं, क्या कर सकते हैं, इन दोनों को फेंकना पड़ेगा हमें, बहुत गंदे हो रहे हैं यार, बदबू मार रहे हैं। तो यार हमारी जो एक और आस थी कि हमारे छोटू जो है उसके साथ 2 और बेबीज आ जाते हैं, टूट गई यार बिल्कुल, पता नहीं अंडे क्यों ख़राब हुए हैं, समझ से बाहर हैं। खैर से यार बाकी जो है मैंने तुम लोगों को बोला था कि छोटू जो है हमारे पास आया, उसका एक प्यारा सा नाम सजेस्ट करो यार, ताकि हम उसका रख दें, वो बड़ा हो जाएगा। तो यार चलो भाई तुम जो हो हटो यहाँ से। हाँ काट लिया काट लिया। हाँ अरे बड़ा गंदा काट रहा है भाई 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 भाई, अरे छोड़ यार इतना गंदा काट रही है। तो यार इसके जो है दोस्तों हमने 2 अंडे देख लो भाई वापसी से आ गए, इन्होंने फाइनली फिर से अंडे दे दिए, और इनको दिए हुए ना यार तकरीबन 1 दिन हो गया है, क्योंकि ये परसों का अंडा, इसको 2 हो गए, और इसको आज इन्होंने शायद या फिर कल में या कल रात में दिया होगा या फिर आज में सुबह में दिया इन्होंने। तो खैर से 2 अंडे इनके आए हुए, ये दोनों फर्टाइल हैं भाई। तो आप लोग समझ गए हो यार हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सेटलनेट पिजन्स ने एक बेबी निकाला है बफ का, तो हमने बोला कि यार क्यों ना वापसी से बफ के अंडे रखे जाएं और 2 बच्चे और निकलवाए जाएं इनसे, क्योंकि इन्होंने यार अच्छे से इनक्यूबेट करा और बच्चों को निकाल दिया, जबकि मुझे यार उम्मीद नहीं थी, फिर भी इन्होंने इनक्यूबेट अच्छे से करा, मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी, पर उन कबूतरों ने ना हमारे यार
बिल्कुल भी हमारा ना भरम नहीं रखा और तोड़ दिया इन दोनों ने। तो अब हम क्या करते हैं यार, ये जो दो अंडे ना दोस्तों, ये अंडे हम रख देते हैं इन दोनों के नीचे और देखते हैं, वैसे भी जाए होंगे, क्या पता है बैठ जाए यार और बच्चे निकल आए, तो कर लेना चाहिए हमें ऐसा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलो यार खोलो, ये लो भाई तुम्हें 2 अदद अंडे दे रहा हूँ मैं, ये लो कैद रखोगे। तो चलो यार बिना देरी करे दोस्तों, इनके नीचे हम अंडे रखते हैं ये वाले। आहा तुम्हारे को थोड़ी देने हैं यार। और यार ये मुर्गी को मुझे देख के याद आया, अंडों से देख के यार, इसने हमारे यहाँ एक अंडा भी नहीं दिया है, तकरीबन 1.5 साल हो गए इस मुर्गी को हमारे पास और एक अंडा इस मुर्गी से हमारे पास आया नहीं है। खैर दोस्तों अब जो है हम वापसी अपने काम पे आते हैं, उनके नीचे दोनों अंडे रखने, तो यार अब ये खोल के रखूंगा मैं। ओ भाई हट गया यार पीछे, ये आ गए अंडे। और भाई काटना मत यार, ओए आ काट रहा है, देखो ये लो भाई मैंने रख दिए अंडे। दोस्तों यार इतना क्यों काटते हैं ये, मुझे बताना यार, लाजमी बहुत गंदा काटते हैं। तो यार खैर से हमने फाइनली दोनों अंडे इनके नीचे रख दिए हैं, अब देखते हैं यार कि इनमें से बच्चे निकालते हैं या नहीं। बाकी ये 21 दिन का टाइम पीरियड पूरा करेंगे, क्योंकि यार इन्होंने अभी अंडे दिए हैं कल परसों में, तो इनको चाहिए बैठें, लाजमी बैठेंगे। और 19 दिन 20 दिन में ना बच्चा फिर भी बन जाता है अच्छा खासा बिल्कुल पूरा, तो उसको तोड़ने की फिर 21वें दिन की ज़रूरत होती है, 21वें दिन उसे तोड़ा जाता है। तो यार एक लास्ट होप, एक और देखते हैं कि हमारे पास ब्लैक बफ छोटू के और भाई आते हैं या बहन जो भी आए, तो अब वेट करते हैं यार। तो यार तुम लोगों ने ना निकालना है लाजमी, ठीक है ना, मुझे लाजमी बच्चे चाहिए इस बार। यार सुल्तान के बारे में मुझे ना एक खबर मालूम हुई थी, ये देखो ये फिर से मारने इसने शुरू कर दिया, अच्छा खासा सेट हो गया था, ये देखो फिर से लड़ रहा है यार ये, इसने कल जो है भाई को अत्थर भाई के पीछे लगाई है और पूरी छत घुमाई है यार इसने। मैं काम से गया हुआ था तो सारा सेटअप में अत्थर भाई के हाथ में रख के गया था कि यार आप दाना पानी कर दिएगा, पर इसने उन पर हमला करा है, मारा भी है और मुझे बताया कि मेरे पीछे भागा है यार पूरी छत पे। तो यार तुम सुधरोगे नहीं, ये देखो अभी भी इसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। तो आ जाओ भाई छोटा डॉन और छोटी डॉन, अरे खुंजा आप तुम दोनों की बारी, जल्दी जल्दी जाओ खाओ। तो यार हमारे पास ना अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनके अंडे हैं जो कि सिर्फ फर्टाइल आ रहे हैं, बाकी सारे मुर्गे मुर्गियां किसी के भी अंडे तो आ रहे हैं पर अंडे फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है उनमें, बेकार हैं बिल्कुल, मज़ा भी नहीं है। या फिर इस वजह से कि यार हमने जो है मुर्गियाँ अलग रखी हुई हैं और मुर्गे अलग, क्योंकि यार हमारी तमाम मुर्गियाँ ना मुर्गों को गंजा कर रही थी यार, ये देखे ना इसको यहाँ से गंजा कर दिया है, पीछे से भी गंजा कर दिया है, और तो और हमारे इस वाले मुर्गे को तो यार पूरे का पूरा ही अजीब कर दिया है, वो देखो उसकी दुम सारी की सारी ख़राब कर दी है और नीचे से भी इसके पता नहीं कहाँ पे या गर्दन की तरफ से पूरे का पूरा ही देखें अब नए बाल आ रहे हैं, तो वो कलियाँ सारी तोड़ देती हैं यार। तो इस वजह से हमने सबको अलग करा हुआ है सिवाय सुल्तान के, क्योंकि सुल्तान के पास ना कोई मुर्गी आ ही नहीं सकती है, सुल्तान मारता है भाई पागल है सुल्तान दिमाग से आता। तो यार सुल्तान की बारी आ गई दोस्तों और मेरे ना हाथ लग रहे हैं कि पीछे ना लगे, क्योंकि यार मुझे ना अभी भी भाई ऊपर आए थे और वो बोल कर गए कि बहुत ख्याल रखना बेटा ये बहुत गंदा मार रहा है, पर भाई को कहाँ पता है कि मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो सुल्तान से पिट पिट के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतनी मरतबा पिट चुका हूँ इससे, तकरीबन अच्छी खासी बार पिट चुका हूँ मैं सिर्फ इससे। ओ वो 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 ये देखो यार मैं ज़रा भी करीब जाता हूँ ना ये फुल चौकन्ना हो जाता है मारने के लिए, इसलिए आज मैंने बहुत ख्याल करना है। चलो आ जाओ भाई, ओ ओ ओ, ओ, ओ। तो यार टाइगर लाइडर को हमने खोल दिया है और जो है सुल्तान जो है उसको मैंने ईजिली बंद कर दिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, वो देखें अंदर बंद हो गया वो। ऐसे यार टाइगर लाइगर जो हैं वो आखिरी रह गए थे, बस ये दोनों खा लें फिर इन दोनों को मैं बंद कर दूंगा। बाकी दोस्तों आज जो हमने काम करा है वो सही करा है ना, लाजमी बताना कमेंट में कि क्या हमारे पास फिर से बच्चे आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।